राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता उदित राज की अपमानजनक टिप्पणी के बाद बीजेपी ने उदित राज से माफी की मांग की है। राष्ट्रपति ने गुजरात दौरे पर कहा था कि देश में 76% नमक गुजरात में बनाया जाता है। ऐसे कहा जा सकता है कि देशवासी गुजरात का नमक खाते हैं। इस पर उदित राज ने राष्ट्रपति के लिए अपमानजनक शब्द ट्वीट किए। उदित राज की टिप्पणी का संज्ञान राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी लिया है। उदित राज को सोमवार के दिन NCW में पेश होने को कहा गया है। उदित राज से पहले अधीर रंजन चौधरी और अजय कुमार ने भी द्रौपदी मुर्मू के लिए अपमानजनक शब्द कहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज कर्नाटक के मांड्या में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। सोनिया गांधी ने करीब 10 मिनट तक राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की। 2016 के बाद पहली बार सोनिया गांधी पार्टी के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुई। सोनिया गांधी 8 अक्टूबर तक भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। कल से प्रियंका गांधी वाड्रा भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रही हैं। बीजेपी ने कहा कि ये भारत नहीं परिवार जोड़ने की यात्रा है। कांग्रेस की यात्रा के मुकाबले कर्नाटक में बीजेपी ने भी 6 रैलियां करने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह राजस्थान पहुंचे थे। जयपुर में सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का तकरीबन आधा निर्माण हो चुका है। सीएम योगी राजस्थान के विराट नगर में श्री पंचखंड पीठ में आचार्य सोमेंद्र शर्मा की चादरपोशी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। भारत विभाजन के आरोप में किए गए संतों के आंदोलन में इस श्री पंचखंड पीठ की बड़ी भूमिका थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लेकर ट्विटर पर तंज किया। केजरीवाल ने लिखा कि LG साहब रोज मुझे जितना डांटते हैं उतना तो मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डांटती। केजरीवाल ने लिखा कि LG साहब थोड़ा चिल करो और अपने सुपर बॉस को भी बोलो थोड़ा चिल करें। केजरीवाल के ट्वीट को बीजेपी ने छिछोरेपन की भाषा कहा और केजरीवाल के मानसिक स्तर पर सवाल उठाए। दिल्ली में भ्रष्टाचार और घोटाले की जांचों को लेकर केजरीवाल सरकार LG पर लगातार सवाल उठा रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हिंसक भीड़ ने 3 लोगों की जमकर पिटाई कर दी। भगवा कपड़े पहने तीनों लोगों को भीड़ ने बच्चा चोर होने की अफवाह में पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। मारपीट की घटना भिलाई 3 शाना क्षेत्र के चरोदा गांव में हुई, जहां पीड़ित साधु बच्चों से संदिग्ध तरीके से बातचीत करते देखे गए थे। पुलिस ने हमला करने वाले 100 लोगों की पहचान की है और 30 लोगों से पूछताछ की गई है। पुलिस के मुताबिक तीनों पीड़ित साधु राजस्थान के रहने वाले हैं। देश में पहली बार दिल्ली NCR से बाहर वायुसेना दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 8 अक्टूबर को मनाए जाने वाले एयरफोर्स डे के लिए आज चंडीगढ़ के सुखना लेक के ऊपर फ्लाई पास्ट रिहर्सल किया गया। इस साल कुल 84 फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान एयरफोर्स डे समारोह में शामिल हो रहे हैं, जिसमें 9 विमान स्टैंड बाय में रखे गए हैं। वायुसेना के मुताबिक इस साल फ्लाई पास दोपहर 2:45 से शुरू होकर शाम 4:44 तक चलेगा। राजस्थान के बीकानेर गरबा के दौरान लड़कियों से छेड़खानी करने से रोकने पर एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया है। 23 साल के मधुसूदन को गंभीर हालत में ICU में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि शाहरुख, जुबैर और समीर नाम के लड़कों ने 20-25 दूसरे लड़कों के साथ पीड़ित पर हमला किया। पुलिस ने इस घटना में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग आरोपी भी हिरासत में है। हालांकि पुलिस ने घटना के पीछे छेड़खानी और धार्मिक कारण होने से इनकार किया है। उत्तरकाशी में हुए एवलांच में अब भी 13 लोगों के लापता होने की खबर है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के मुताबिक अब तक 16 शव निकाले जा चुके हैं। मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू के काम में बाधा आई है, लेकिन घटना स्थल पर राहत बचाव कार्य जारी है। एवलांच में फंसे लोगों में से निकाले गए 15 लोगों में से 10 घर जा चुके हैं, 5 का इलाज जारी है। 4 अक्टूबर को द्रौपदी का डांडा इलाके में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के 41 लोग एवलांच की चपेट में आ गए थे। मुंबई से गांधीनगर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भैंसों के झुंड से टकरा गई। घटना बटवा से मणिनगर स्टेशन के बीच सुबह 11:15 हुई, जब भैंसों का झुंड रेल की पटरी पर आ गया। टक्कर के बाद इंजन के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए, हालांकि इंजन में कोई खराबी नहीं आई। भैंसों के अवशेष हटाने के लिए ट्रेन को 8 मिनट तक रुकना पड़ा। 30 सितंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। थाईलैंड के चाइल्ड केयर सेंटर में अंधाधुंध गोलीबारी में 24 बच्चों समेत 35 लोग मारे गए।
पुलिस का कहना है कि हमलावर ने अपने घर जाकर अपनी पत्नी और बच्चे की भी हत्या की और खुदकुशी कर ली। घटना थाईलैंड के पूर्वोत्तर प्रांत नोंगबुआ लामफू में हुई। शूटर की पहचान पूर्व पुलिसकर्मी पन्या खमरप के रूप में की गई है, जिसे ड्रग्स मिसयूज के केस में पुलिस से बर्खास्त कर दिया गया था। कुछ वर्ष पहले तक जब आप हमारे देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनते थे तो आप हैरान हो जाते थे कि हमारे देश में ये क्या हो रहा है, असहज हो जाते थे। फिर धीरे धीरे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आपको अक्सर सुनने को मिलने लगे। स्थिति यह आ गई कि हमारे ही देश का एक वर्ग अब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों का समर्थन भी करने लगा है। हमारे देश में कुछ नेता भी ऐसे हैं जो ऐसे नारों का समर्थन करने लगे हैं, जो कहते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है। और अब स्थिति यह है कि हमारे देश में लोगों को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे की आदत सी पड़ गई है। लेकिन अब आप एक और नारे की आदत डाल लीजिए, क्योंकि अगर आपने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो आपको ये आदत डालनी होगी, और वो आदत है पंजाब में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे की। किसी भी देश के लिए सबसे मुश्किल युद्ध वो होता है जिसमें उसका सामना दुश्मन देश की सेना से नहीं बल्कि अपने ही देश में छिपकर बैठे दुश्मनों और ऐसी ताकतों से होता है जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती हैं। और इस समय हमारा देश ऐसी एक नहीं बल्कि कई लड़ाइयां लड़ रहा है। आज हम आपको पंजाब लेकर जाएंगे, जहां खालिस्तान की मांग को लेकर अब एक ऐसा आंदोलन शुरू हो चुका है जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन यह जिम्मेदारी सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की नहीं है, यह चिंता आपको भी होनी चाहिए। सबसे पहले आप ये तीन तस्वीरें आज देखिए। पहली तस्वीर पंजाब के मोगा जिले में स्थित उस गांव की है जहां 29 सितंबर को खालिस्तान के समर्थन में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए, और इस दौरान हर व्यक्ति यही कह रहा था कि पंजाब अब भारत का एक राज्य नहीं रहेगा बल्कि पंजाब अब खालिस्तान बनेगा और ये मुहिम अब रुकेगी नहीं। यहां मतलब भारत के ही एक राज्य में भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए खुलेआम नारे लगाए गए, और यह सिर्फ एक स्थान पर नहीं हुआ। अब दूसरी तस्वीर देखिए जो पंजाब के होशियारपुर से आई है। होशियारपुर में भी 29 सितंबर को एक और बड़ी रैली हुई जिसमें खालिस्तान जिंदाबाद के नारे खुलेआम लगाए गए, और इस दौरान यह भी कहा गया कि पंजाब में रहने वाले सिख समुदाय के लोग भारत के गुलाम हैं और अगर उन्हें इस देश से आजादी चाहिए तो उन्हें सड़कों पर उतरना होगा। ये आप तस्वीर देख लीजिए। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये तमाम देश विरोधी बातें पंजाब पुलिस की मौजूदगी में कही गई, क्योंकि पंजाब पुलिस इस रैली के दौरान इन खालिस्तानियों को सुरक्षा दे रही थी। तस्वीर सब कुछ आपको साफ साफ बता रही है, और भारत दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश होगा जहां अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर न सिर्फ देश को अंदर से तोड़ने की बातें होती हैं बल्कि पुलिस ऐसे लोगों को सुरक्षा भी देती है और चुपचाप ये नारेबाजी होते हुए देखती रहती है। और ये सब कुछ होता है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। लोग अलग देश की मांग करने लगे हैं, लोग भारत से ही आजादी की मांग करने लगे हैं। अब तीसरी तस्वीर देखिए जो पंजाब के भटिंडा से आई है। यह है 2 अक्टूबर की तस्वीर। 2 अक्टूबर को भटिंडा में वन विभाग के एक दफ्तर की दीवार पर एक देश विरोधी नारा लिखा गया, और यह नारा था खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। और यही चेतावनी आज हम लेकर आए हैं। वो चेतावनी यही है कि अगर हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई नहीं की, अगर हमारे देश के लोगों ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, तो आपको इन नारों की कुछ ही दिनों में आदत सी पड़ जाएगी। देश के हर शहर में, हर गांव में, हर राज्य में आपको दीवारों पर यही नारे लिखे हुए मिलेंगे, और थोड़े दिन आपको बुरा लगेगा और फिर आपको आदत सी पड़ जाएगी। अब खतरनाक बात यह है कि एक तरफ जहां पंजाब में खालिस्तानी ताकतें फिर से सक्रिय हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पंजाब से 10,000 किलोमीटर दूर कनाडा के अलग अलग शहरों में खालिस्तान रेफरेंडम पर वोटिंग हो रही है, और कनाडा में रहने वाले सिख समुदाय के लोग वोट देकर दुनिया को यह बता रहे हैं कि वो पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहते हैं या नहीं। यानी आज अगर आप देखेंगे तो पंजाब को नया कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा आज से कुछ वर्ष पहले तक कश्मीर में बॉर्डर के रास्ते आतंकवादी ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग करते थे, लेकिन अब यह सब कुछ कश्मीर के बजाय
पंजाब में बॉर्डर के रास्ते से हो रहा है, पंजाब के बॉर्डर से हो रहा है जो पाकिस्तान से लगता है, और इसके पीछे एक नहीं दो देश हैं। पहला देश है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ही खालिस्तानी संगठनों को फंडिंग करता है, उन्हें पूरा समर्थन देता है। और दूसरा देश है कनाडा, जहां आजकल खालिस्तानी संगठनों, पंजाब के बड़े बड़े अपराधियों और गैंगस्टर्स ने शरण ली हुई है, और कनाडा की सरकार को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो इसे अभिव्यक्ति की आजादी मान रही है, वो इसे लोकतंत्र मान रही है। लेकिन हमें लगता है कि आज भारत को इस पर कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि पंजाब में इस समय खालिस्तान के जो नारे खुलेआम हवा में गूंज रहे हैं, उनका एक ही मकसद है, भारत का एक और विभाजन, और इस विभाजन की जड़ में भी धर्म है। ये हमेशा आप याद रखिएगा, जब पहला विभाजन हुआ था पाकिस्तान के साथ हमारा, जब पाकिस्तान बना था, वो विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, इस्लाम के आधार पर हुआ था। पाकिस्तान ने धर्म के आधार पर अलग देश मांगा था, और अब खालिस्तानी भी धर्म के आधार पर ही अलग देश मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब यह विभाजन हुआ, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश रहा, पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना, खालिस्तान को भी धर्म के आधार पर बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे ही देश के अंदर बैठे हुए लोग आज पाकिस्तान का भी समर्थन करते हैं और खालिस्तान का भी समर्थन कर रहे हैं। सोचिए, ये सारे देश को तोड़ने वाले नारे किसी और देश में नहीं बल्कि हमारे ही देश में लग रहे हैं। ये नारे इसी देश के एक राज्य जिसका नाम है पंजाब, वहां पर लगाए गए। और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इनमें से किसी भी घटना में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसे देश विरोधी नहीं माना गया है, इसे देशद्रोह नहीं माना गया है। आपने नोट किया होगा कि भारत के विभाजन के बाद जब पाकिस्तान बना, उसकी स्थापना धर्म के नाम पर हुई थी, और आज अब पंजाब को खालिस्तान बनाने की मांग हो रही है, इसके पीछे भी धर्म है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसका निर्माण धर्म के नाम पर नहीं बल्कि धर्म निरपेक्षता के नाम पर हुआ है, लोकतंत्र के नाम पर हुआ है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश का एक वर्ग ऐसा है जो भारत की तो खूब आलोचना करता है, हमारे धर्म निरपेक्ष होने पर सवाल उठाता है बार बार, और हमारे देश को सांप्रदायिक बताता है, सरकार को सांप्रदायिक बताता है, लोगों को सांप्रदायिक बताता है। आज जब हम ये मुद्दा उठा रहे हैं, हमें भी सांप्रदायिक बताया जाएगा, हम पर भी आरोप लगेगा कि हम सांप्रदायिक हैं। लेकिन इसी वर्ग को पाकिस्तान जैसे देश और खालिस्तान जैसी ताकतें सांप्रदायिक नजर नहीं आती, और इसीलिए आज हम इन ताकतों को आपके सामने एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी ताकतें चुप रहकर या कभी कभी बाहर निकलकर इन लोगों को अपना समर्थन देती है। आपने खालिस्तान के एक आतंकवादी जर्नैल सिंह भिंडरावाले का नाम जरूर सुना होगा। भिंडरावाले खालिस्तान का वही पोस्टर बॉय था जिसने वर्ष 1978 से 1984 के बीच सैकड़ों लोगों की हत्याएं करवाई और हिंदुओं को भी अपना निशाना बनाया। वो चाहता था कि सारे हिंदू पंजाब छोड़कर चले जाएं। वही फॉर्मूला जो कश्मीर में आतंकवादियों ने अपनाया कि सारे हिंदू कश्मीर छोड़कर चले जाएं। लेकिन आज सबसे बड़ा खुलासा आपके लिए यह है कि अब पंजाब में फिर से भिंडरावाले को जिंदा किया जा रहा है ताकि भारत को अस्थिर किया जा सके, और इसके पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। 29 सितंबर को पंजाब के मोगा जिले में स्थित जिस गांव में आजादी के ये नारे लगे, वो असल में जर्नैल सिंह भिंडरावाले का ही गांव है। और बड़ी बात यह है कि उस दिन यहां पर एक व्यक्ति ने ऐलान किया कि अब वो भिंडरावाले के सपने को पूरा करने के लिए एक नया आंदोलन चलाएगा, और इस व्यक्ति का नाम है अमृतपाल सिंह। इसकी उम्र है 29 साल, और अब यही अपने आप को नया भिंडरावाले बताता है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको यह व्यक्ति काफी हद तक भिंडरावाले जैसा ही नजर आएगा। यह उसकी कॉपी करता है, उसके जैसा दिखने की कोशिश करता है, और अब लोगों को कहता है कि आज के युग का भिंडरावाले मैं ही हूं। इसे पिछले महीने ही वारिस पंजाब दे नाम के संगठन का प्रमुख बनाया गया है। यह इसके संगठन का नाम है, वारिस पंजाब दे नाम लेकर हम बता रहे हैं। इस संगठन की नींव दीप सिद्धू नाम के एक व्यक्ति ने रखी थी। दीप सिद्धू नाम आपने सुना ही होगा, वही आदमी है जिसने 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा फहराया था। इसे गिरफ्तार कर लिया गया था, और इसके बाद एक साल बाद 15 फरवरी 2022 को उसकी एक सड़क दुर्घटना में मौत भी हो गई थी संदिग्ध हालात में। यानी अगर आप सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ेंगे तो आपको एक बहुत बड़ी साजिश के बारे में पता चलेगा। पहले किसान आंदोलन में
खालिस्तानी ताकतों के शामिल होने का आरोप लगा। फिर 26 जनवरी 2021 को जबरदस्त हिंसा हुई दिल्ली में, प्रोटेस्ट हुए और लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा फहराया गया और जिस व्यक्ति ने यह झंडा फहराया उसी के संगठन का प्रमुख अब एक ऐसा आदमी बना है जो ये कहता है कि भिंडरावाले उसका हीरो है और वही अगला भिंडरावाले है और सिखों को भारत में तभी आजादी मिलेगी जब पंजाब खालिस्तान बन जाएगा। अब आज हमारा सवाल भारत की सरकार से, पंजाब की सरकार से, पंजाब की पुलिस से, भारत की तमाम सुरक्षा एजेंसियों से यह है कि ये अमृतपाल सिंह नाम का आदमी अभी भी खुला कैसे घूम रहा है, अभी तक ये जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है, अभी तक ये गिरफ्तार कैसे नहीं हुआ और इसके कौन से ऐसे एक्स्ट्रा स्पेशल अधिकार हैं जो इसे खुलेआम देश को तोड़ने की बात करने के लिए ये आजादी दी गई है। अमृतपाल सिंह नाम का यह खालिस्तानी पिछले 6 वर्षों से दुबई में था और ये इसी साल सितंबर के महीने में भारत आया है और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के गृह मंत्रालय ने इस पर पंजाब सरकार से जवाब तो मांगा है और देश की सुरक्षा एजेंसियां भी इस खालिस्तानी की गतिविधियों पर नजर रख रही हैं, लेकिन अभी तक इसके हाथों में हथकड़ी देखने को नहीं मिली है जो कि होना चाहिए। अब आप सोचिए, ऐसा व्यक्ति हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी देश की एकता के लिए कितना खतरनाक है। आज यहां बात सिर्फ एक संगठन की नहीं है। होशियारपुर में खालिस्तान की मांग को लेकर जो रैली निकाली गई उसका आयोजन दल खालसा नाम के एक संगठन ने किया था। यह एक ऐसा संगठन है जो पंजाब में लगातार देश विरोधी रैलियां निकाल रहा है, लेकिन इससे भी बड़ा और भद्दा मजाक यह है कि इसकी सभी रैलियां हर बार पंजाब पुलिस की सुरक्षा में होती हैं और पंजाब पुलिस इस पर कोई आपत्ति नहीं करती। सोचिए कैसे हो सकता है कि जो संगठन भारत को तोड़ने की बात करता है उसकी हर रैली पुलिस प्रोटेक्शन में होती है। इस साल 6 जून को जब ऑपरेशन ब्लू स्टार की 38वीं बरसी थी तब भी इसने अमृतसर में भिंडरावाले के पोस्टर लहराए थे और यह सब कुछ पंजाब पुलिस के सामने हो रहा था। यानी पंजाब के इन लोगों को रोकने वाला शायद कोई नहीं और पंजाब में आम आदमी की सरकार है, मान साहब वहां के मुख्यमंत्री हैं और वो भी इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे। आज यहां आपको खालिस्तान के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहिए। खालिस्तान का अर्थ होता है द लैंड ऑफ खालसा, यानी खालसा के लिए एक अलग राष्ट्र या सिखों के लिए अलग राष्ट्र या फिर कह लीजिए सिखों की अलग भूमि। खालसा की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने वर्ष 1699 में की थी, जिसके तहत खालसा का अर्थ प्योर यानी शुद्ध माना गया। लेकिन समय के साथ साथ इस विचार के उद्देश्य बदल गए और इसका राजनीतिकरण हो गया। 1980 के दशक में जरनैल सिंह भिंडरावाले खालिस्तानी मुहिम का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय बना और वो खुद को वैसे तो संत बताता था, लेकिन उसने पंजाब के सिखों को भारत से अलग होने के लिए भड़काया और खालिस्तान नाम से एक अलग आंदोलन चलाया और पंजाब में फिर से इसी आंदोलन को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश हो रही है और ये बहुत खतरनाक है। पंजाब में वो लोग जिन्होंने आतंकवाद का जमाना देखा है वो इस बात को समझते हैं कि अगर ये आंदोलन दोबारा से जिंदा हुआ तो कैसे बसों में से लोगों को नीचे उतारकर खुलेआम दोबारा से हत्याएं शुरू हो जाएंगी। आज पंजाब में खालिस्तान की मुहिम के तहत सांप्रदायिक नफरत पैदा की जा रही है, ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग हो रही है, अपराध लगातार बढ़ रहा है और ये सारी चीजें जिन देशों से नियंत्रित हो रही हैं वो दो देश हैं, पाकिस्तान और कैनेडा। बड़ी बात यह है कि पंजाब के जितने बड़े बड़े शातिर अपराधी हैं, जितने बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं, जितने स्मगलर्स हैं जो ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं, हथियारों की स्मगलिंग करते हैं और भी बड़े बड़े जितने अपराधी हैं, ये सारे लोग खालिस्तानी बनकर विदेशों में घूम रहे हैं, फंड इकट्ठा कर रहे हैं और कनाडा में जाकर वहां पर शानदार जीवन जी रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और अपने आप को खालिस्तानी बताकर वहां तमाम तरह की आजादी और सुख सुविधाएं ले रहे हैं। जैसे कश्मीर में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को पाकिस्तान में शरण मिलती है, ठीक उसी तरह से आज कनाडा खालिस्तान की मांग करने वाले लोगों के लिए एक सुरक्षित देश बन गया है। और ये बात हम तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं, अंदाजे पर नहीं कह रहे। इस समय कनाडा में कई स्थानों पर खालिस्तान की मांग को लेकर एक जनमत संग्रह कराया जा रहा है और 6 नवंबर को इसके तहत टोरंटो में भी वोटिंग होगी। इसके अलावा खालिस्तानी ताकतों ने भारत के टुकड़े टुकड़े करने की एक डेडलाइन निर्धारित कर दी है। इसके तहत
26 जनवरी यानी हमारा गणतंत्र दिवस 2023 को अगले साल पंजाब में खालिस्तान पर जनमत संग्रह कराना शुरू होगा कराया जाएगा और इसके दो महीने बाद जैसे ही वोटिंग समाप्त होगी पंजाब भारत से अलग हो जाएगा। ये पूरी योजना इन खालिस्तानी संगठनों ने बनाई है और ये इतने बेवकूफ संगठन है कि इन्हें भारत के कानून के बारे में शायद पता नहीं, संविधान के बारे में कोई जानकारी नहीं। सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाकर, उनकी भावनाओं को भड़काकर ये लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर आपने जनमत संग्रह, वो भी जो ये करा रहे हैं, उसमें अगर आपने वोट डालकर कह दिया कि हमें खालिस्तान चाहिए, तो खालिस्तान अलग बन जाएगा, जैसे ये कोई बच्चों का खेल है। और बहुत सारे लोग इस खेल में बेवकूफ बन रहे हैं। इन संगठनों में सिक्स फॉर जस्टिस नाम का संगठन सबसे ऊपर है। भारत में प्रतिबंधित ये संगठन उसी अमेरिका से ऑपरेट करता है जो खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा चैंपियन बताता है। इसलिए आज हमारा अमेरिका से भी ये सवाल जरूर है कि क्या वो इस संगठन पर अपने देश में कोई कार्रवाई करेगा। ये बड़ा सवाल आज हम उससे पूछना चाहते हैं। हम बार बार आपसे एक बात कहते हैं कि आज भारत 2.5 फ्रंट वॉर यानी ढाई फ्रंट पर युद्ध की चुनौती का सामना कर रहा है। इसमें एक फ्रंट है पाकिस्तान, दूसरा फ्रंट है चीन और आधा फ्रंट हमारे देश में ही अंदर बैठी उन ताकतों का है जो रहते तो हमारे ही देश में है, नागरिक हमारे देश के हैं, सारी सुख सुविधाएं हमारे देश से लेते हैं, पासपोर्ट हमसे बनवाते हैं और वो भारत को स्थिर करना चाहते हैं, अस्थिर करना चाहते हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। यानी जिस देश के पासपोर्ट का इस्तेमाल करके कनाडा में जाकर बैठे हैं, जिस देश का नागरिक है, जहां पर पैदा हुए, जिस भूमि पर, जहां से सारे फायदे लिए, जहां पढ़ाई की, उसी देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश होगा जो 2.5 फ्रंट पर लड़ रहा है, ढाई फ्रंट पर जिसे लड़ना पड़ रहा है, जिसमें से आधा फ्रंट हमारे अपने लोगों का है। इसलिए अब सावधान होने की आवश्यकता है और हम ये चाहते हैं इन खालिस्तानियों पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये कार्रवाई नहीं हुई और अगर इस तरह की मांगें, इस तरह के जुलूस हर रोज निकलने लगे तो फिर देश के लोगों को एक दिन इसकी आदत पड़ जाएगी और फिर हमें वही खूनी इतिहास दोबारा देखने को मिलेगा जो पहले पंजाब में हमारा देश देख चुका है। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में एक बार फिर से एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। 5 अक्टूबर को दिल्ली में AQI का स्तर 200 से ज्यादा था, जबकि दिल्ली के पास गुरुग्राम में यही स्तर 238, फरीदाबाद में 196, गाजियाबाद में 248, नोएडा में 215, हरियाणा के पानीपत में 221 तक पहुंच गया था। जब AQI 201 से 300 के बीच होता है तब हवा की गुणवत्ता बहुत खराब मानी जाती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आजकल दिल्ली की 2 करोड़ आबादी किसी तंदूर के सामने अपना मुंह करके बैठी हुई है। आप ऐसा समझ लीजिए तंदूर आपके सामने है और लगातार आप उसके धुएं को अपनी सांसों के जरिए अंदर खींच रहे हैं, क्योंकि तंदूर के धुएं के आसपास की हवा जितनी जहरीली होती है उतनी ही जहरीली इस समय दिल्ली के लोग उतनी ही जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। हालांकि आज दिल्ली में हल्की बारिश हुई है जिसकी वजह से AQI थोड़ा बेहतर हुआ है। आज रात 8 बजे दिल्ली का AQI 74 था, गाजियाबाद का 65, गुरुग्राम का 69, चंडीगढ़ का 102, मुंबई का 66, बेंगलुरु का 75 और चेन्नई का 91 था। लेकिन दिल्ली के मामले में ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बारिश के कुछ घंटों के बाद ही यहां फिर से ये जहरीली हवा लौट आएगी और इस पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी बहुत गहरी चिंता जताई है और दिल्ली की हवा को साफ बनाए रखने के लिए कुछ कड़े नियम लागू किए गए हैं। जैसे अब 500 वर्ग मीटर से ज्यादा के किसी स्थान पर कोई कंस्ट्रक्शन या डेमोलिशन का काम नहीं होगा। इसके अलावा दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत स्टेज 1 के नियमों को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत एंटी डस्ट अभियान चलाया जाएगा। कुल 521 मशीनों से पानी का छिड़काव होगा, 233 एंटी स्मॉग गन्स की मदद ली जाएगी। जिन इलाकों में ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है वहां भीड़ को कम करने के लिए 380 टीमें तैनात होंगी और दिल्ली के 2 थर्मल पावर प्लांट्स और पटाखे जलाने पर भी पूरी तरह से रोक होगी। अब आप समझ लीजिए दिवाली आने वाली है लेकिन दिल्ली के लोगों को और बड़े शहर के लोगों को पटाखे जलाने की अनुमति नहीं मिलेगी। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि प्रदूषण हो रहा है। अब यहां से ये समझिए कि आखिर अक्टूबर आते आते दिल्ली की हवा इतनी जहरीली क्यों हो जाती है। इसका कारण है पराली।
पराली फसल के उस बचे हुए अवशेष को कहते हैं जो फसलों की कटाई के दौरान खेतों में ही रह जाती है। और क्योंकि किसानों को अगली फसल की बुआई करनी होती है, इसलिए वो इस बचे हुए अवशेष को जला देते हैं और फिर इसमें से धुआं निकलता है और वो धुआं आसपास के तमाम इलाके को प्रदूषित कर देता है, हवा को प्रदूषित कर देता है। इस नक्शे पर आप देख पाएंगे कि अभी पंजाब और हरियाणा में कितने बड़े पैमाने पर खेतों में पराली को जलाया जा रहा है और इनमें भी सबसे ज्यादा घटनाएं पंजाब में देखने को मिली है। पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक पंजाब में 15 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच पराली जलाने की 350 घटनाएं दर्ज हुई हैं, जबकि पिछले साल इसी समय अवधि में ऐसी 237 घटनाएं दर्ज की गई थी। हालांकि यहां यह भी बात स्पष्ट करने वाली है कि यह आंकड़ा केवल उन घटनाओं का है जो दर्ज की गई है। बहुत सारे मामलों में पराली जलाने की घटनाओं को रिपोर्ट ही नहीं किया जाता, लेकिन कुछ इस तरह का धुआं होता है जैसा भी आप देख रहे हैं। पराली का धुआं कैसे दिल्ली की हवा को जहरीला बनाता है, उसे आप पिछले साल हुई एक स्टडी से समझिए। स्टडी में पता चला कि दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है उसमें अकेले पराली के धुएं की हिस्सेदारी लगभग 45% है, यानी सबसे बड़ा जो फैक्टर है दिल्ली में प्रदूषण का वो पराली है 45%। जो वाहनों का ट्रैफिक है उसकी वजह से 28% और लगभग 30% हिस्सेदारी कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्यों की होती है। खतरनाक बात यह है कि इस साल पराली का धुआं और भी गंभीर रूप ले सकता है, क्योंकि इस साल पंजाब में धान की फसल की बंपर पैदावार का अनुमान है और वर्ष 2021 में पंजाब में लगभग 29 लाख हेक्टेयर की जमीन पर धान की खेती हुई थी, लेकिन इस बार 31 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर धान की फसल उगाई गई है। कहने का मतलब ये, जितनी भूमि पर अभी धान की फसल उगी है उतनी ही भूमि पर पराली का संकट खड़ा होगा, उतना ही पराली ज्यादा जलाई जाएगी, क्योंकि जब धान की फसल काटी जाएगी तो उसके अवशेष के रूप में पराली रह जाएगी और फिर पराली के जलने से ये धुआं एक बार फिर आपके घरों तक पहुंचेगा, आपकी सांसों तक पहुंचेगा और आपके फेफड़ों तक पहुंचेगा। पंजाब भारत का एक ऐसा राज्य है जहां ज्यादातर किसान पराली को हटाने के लिए उसे जलाते हैं। 2021 में पंजाब में 14 लाख हेक्टेयर की जमीन पर फैली पराली को किसानों ने जला दिया था और इस बार 31 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर पराली होगी। सोचिए, जब यह पराली जलाई जाएगी तो दिल्ली के लोगों की सांसों का क्या हाल होगा। पंजाब के किसानों का कहना है कि उन्हें सरकार और प्रशासन से मुआवजा नहीं मिलता और बायो डीकंपोजर की टेक्नोलॉजी का खर्च इतना ज्यादा है कि उनके पास पराली को जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। फिर चाहे दिल्ली वालों का जो हाल हो, चाहे दिल्ली वाले मर जाएं। लेकिन अब इस खबर का दूसरा पहलू देखिए। वर्ष 2020 में केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाई जिसके तहत पराली जलाने वाले किसानों पर अधिकतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 5 साल जेल की सजा का प्रावधान तय किया गया। लेकिन इसके बाद जब दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन शुरू हुआ तो किसानों ने दबाव बनाकर सरकार को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वो ना तो पराली जलाने वाले किसानों पर कोई कानूनी कार्रवाई करे और ना ही उन्हें कोई जुर्माना भरना पड़े। और ये लोकतंत्र है, सबको चुनाव जीतने की चिंता है, सबको वोट चाहिए और सरकार इन किसानों के सामने झुक गई और सरकार ने ये इनकी मांगे मंजूर कर ली और एक तरह से कह दिया कि आप पराली जलाइए जितनी चाहे, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, कोई जुर्माना नहीं होगा। और सरकार ने दिल्ली और आसपास के इलाकों के करोड़ों लोगों के सांसों का सौदा इन लोगों के साथ कर लिया। नोट करने वाली बात यह है कि तब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर स्वतः संज्ञान नहीं लिया, जबकि अगर पटाखों के मामले में सरकार ऐसा कोई फैसला लेती तो शायद अदालतों में इस पर अगले ही दिन ही सुनवाई शुरू हो जाती, लोग अदालत तक चले जाते। ये बड़ा विरोधाभास है कि जो लोग कृषि कानून वापस होने पर खुश हो रहे थे और इसे प्रधानमंत्री मोदी की हार बता रहे थे, आज वही लोग दिल्ली के प्रदूषण के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जबकि सच ये है कि सरकार तो पराली की समस्या के समाधान के लिए कानून लाई थी, लेकिन किसानों ने सड़कों को बंधक बनाकर इससे डिस्काउंट ले लिया और आज दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में रहने वाले करोड़ों लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। और कई बार हम ये सोचते हैं कि जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसकी एक ये बहुत बड़ी समस्या है कि लोकतंत्र में कई बार बड़े बड़े आंदोलन सरकार को इस कदर झुका देते हैं कि वो ऐसी मांग भी मनवा लेते हैं जो कि देश के लोगों के लिए खतरनाक होती है। हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार को लेकर तो बहुत आंदोलन होते हैं, आपने देखा ही होगा, लेकिन साफ हवा के अधिकार को लेकर आज तक कोई आंदोलन नहीं हुआ।
2016 में जब फ्रांस की राजधानी पेरिस में AQI सिर्फ 114 के स्तर तक पहुंच गया था, तब वहां हेल्थ इमरजेंसी लगा दी गई थी। लेकिन कल दिल्ली में AQI 200 से ज्यादा था, लेकिन लोगों और सरकारों को यही लग रहा था कि अभी तो ये बहुत कम है, क्योंकि हमें 1000 से ज्यादा के AQI में रहने की आदत पड़ चुकी है। वैसे भी ये भी एक विडंबना है कि हमारे देश में पराली जैसे मुद्दों पर तो खूब आंदोलन होते हैं, लेकिन साफ हवा में सांस लेने के अधिकार के लिए लोगों द्वारा, आम लोगों द्वारा कोई आंदोलन नहीं होता। इसलिए आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस अधिकार को लेकर आप कब सड़कों पर उतरेंगे, आप कब आंदोलन करेंगे, आप कब मांग करेंगे। ये आंदोलन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2019 में भारत में लगभग 17 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण की वजह से हुई थी, जबकि पिछले 2.5 वर्षों में कोविड से लगभग 5.25 लाख मौतें हुई हैं, यानी कोविड से भी ज्यादा मौत इस समय हमारे देश में प्रदूषण से हो रही है। मीडिया क्या कर सकता है? मीडिया प्राइम टाइम में अपना समय किसी एक मुद्दे पर लगाकर आपके अंदर जागरूकता पैदा कर सकता है, किसी विषय को बड़ा बना सकता है, देश के सामने किसी मुद्दे को पेश कर सकता है और लोगों से अपील कर सकता है कि ये आपका अधिकार है, ये देश के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आपके परिवार के लिए अच्छा है, और आप इस पर आंदोलन कीजिए, इसके खिलाफ आवाज उठाइए, अपने नेताओं पर, अपनी सरकारों पर दबाव डालिए। लेकिन आखिरी काम तो आप ही को करना है, इसलिए आज जो ये मुहिम हमने शुरू की है ये देश के लोगों के उस संवैधानिक अधिकार को बचाने के लिए की है जो अधिकार आपको साफ हवा में सांस लेने का अधिकार देता है। ये देश के हर नागरिक का अधिकार है और हम हर नागरिक के इस अधिकार को वापस उसे दिए जाने की मांग कर रहे हैं। और अब आपको बताते हैं फिल्म आदि पुरुष पर जारी विवाद के बारे में। इस फिल्म में रामायण के किरदारों के इस्लामीकरण पर विवाद अब बढ़ता जा रहा है। कई शहरों में राम, रावण और हनुमान के किरदारों से छेड़छाड़ के खिलाफ देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में आदि पुरुष का विरोध किया गया, उत्तर प्रदेश में कई शहरों में इसका विरोध किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, दिल्ली हो, वाराणसी हो, संभल हो, कई जगह फिल्म के पोस्टर्स, कलाकारों के पुतले जलाए जा रहे हैं। मांग की जा रही है कि इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाए, बैन लगाया जाए। और बड़ी बात यह है, देखिए आप, हमारे देश में लोग आदि पुरुष का विरोध करने के लिए तो निकल आते हैं सड़कों पर, जैसा मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था, लेकिन प्रदूषण का विरोध करने के लिए इनमें से एक भी व्यक्ति बाहर नहीं आएगा, प्रदूषण का विरोध करने के लिए एक भी पोस्टर नहीं जलाया जाएगा। आज इस पूरे विवाद पर बात करने के लिए हमने इस फिल्म के निर्देशक ओम राउत और इस फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर से बात की। आज मैं इन दोनों से मिला और इन दोनों से हमने वो सारे सवाल पूछे जो आपके मन में भी जरूर रहे होंगे। इसलिए इस फिल्म के बनाने वालों का क्या पक्ष है, इन्होंने क्या सोचकर इस फिल्म के किरदारों के साथ छेड़छाड़ की है, आपको उनका पक्ष भी आज सुनना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय फिल्म आदि पुरुष को लेकर बहुत एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है, विवाद हो रहा है, तो हम लगातार आपको उसके बारे में बता भी रहे हैं, लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी है जो अभी तक आपके पास पहुंचा नहीं है। और दूसरा पक्ष पहुंचाने के लिए आज मेरे साथ दो बहुत खास मेहमान हैं, इस फिल्म के निर्देशक ओम राउत और इस फिल्म में डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर जी, और ये आज अपना पक्ष आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं ओम से पूछता हूं, ओम, आपने तो तानाजी जैसी फिल्में बनाई जो दर्शकों ने बड़ी पसंद की थी, हाउ डिड यू गो रॉन्ग विद दिस? और जो ये लगातार आरोप लग रहा है कि आपने रावण के लुक के साथ छेड़छाड़ की है, राम, हनुमान सबके साथ, स्थिति ये आ गई कि अभी जो हमारा जो पौराणिक रावण का जो चरित्र है वो अब हमें अच्छा लगने लगा आपके रावण के सामने। सुधीर जी, सबसे पहले तो मैं प्रभु राम का बहुत बड़ा भक्त हूँ। ये फिल्म में हमने कुछ गलत किया नहीं है, इतिहास के साथ, और मैं इसे इतिहास ही कहूँगा, ये हमारा गर्वी इतिहास है, हमने इतिहास को पूर्णता से उसकी पवित्रता रखते हुए ही काम किया है। जब रामानंद सागर सर की जो रामायण हमने देखी थी दूरदर्शन पे, मैं जब छोटा था तब मैंने देखी थी, उससे मैं बहुत ही प्रभावित हो गया था, और उसके बाद बहुत पढ़ा भी, उसके बारे में बहुत कुछ किया, पर जब वो रामायण देखी थी तो बहुत एक मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उसमें,
कि एक तीर आता है, एक तीर में से 10 होते हैं, 10 में से 100 होते हैं, ये सब हमने देखा नहीं था. दिस वॉज वेरी न्यू फॉर ऑल ऑफ अस, हमको ये पता नहीं था. तभी के ज़माने में वो बहुत ही पॉपुलर हुआ, क्योंकि तभी हमारी जो आप रावण की भी बात कर रहे हैं, तो रावण एक दानव है. एक रावण जो है कि वो एक कैसे कह सकते हैं, वो एक क्रूर ये है, तो उसे बहुत बड़ी मूछें और ये सब करके उन्होंने दिखाया था. वो बहुत ही एक वो ज़माने के टाइम का वो एक राक्षसी एक रिप्रेजेंटेशन था, आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन था, रामानंद सागर सर जी के टाइम पे दूरदर्शन पे जो आया था. आपका रावण रामानंद सागर के रावण से अलग है. हमारा रावण जो है, जो आज के ज़माने में जो डिमोनिक है, आज के ज़माने में जो एक राक्षसी एक क्रूर जो 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 रावण है, जो जो कि मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा, जिसने हमारी सीता मैया का हरण किया, वो रावण है. वो रावण क्रूर है, वो रावण एक बहुत ही ये राक्षस है. तो आज के ज़माने में अगर मेरे आर्टिस्टिक फीलिंग में राक्षस मुझे कैसे दिखता है, तो मुझे राक्षस ऐसे दिखता है. मनोज को तो आप सब जानते ही होंगे, इतना जाना माना चेहरा है, इन्हें टीवी पर आप देखते होंगे, और मनोज हमारे इतिहास के बारे में, सनातन धर्म के बारे में लगातार एक नया नैरेटिव आपके सामने पेश करते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं हमारे संस्कारों के बारे में. सो मनोज, आपने पहले बाहुबली फिल्म भी लिखी थी, डायलॉग्स लिखे थे, और अब आप इस फिल्म में भी, आदि पुरुष में भी मनोज ही डायलॉग्स लिख रहे हैं. तो ये जो नया विवाद हुआ, ये कैसे हुआ और आपके साथ? देखिए, विवाद ये हुआ कि सिर्फ 1 मिनट 35 सेकंड का टीजर दुनिया के सामने आया. और मैं ये मानता हूँ कि भगवान श्री राम को लेकर लोगों की भावनाएं थोड़ी सी वॉलेटाइल हैं और होनी भी चाहिए. हम एक ऐसे राष्ट्र में हैं, एक ऐसे देश में हैं, जहाँ राम का नाम आते ही आपका सर श्रद्धा से झुकना चाहिए. और अगर आपको लगता है इसमें सच कितना है कितना नहीं है, लेकिन अगर आपको लगा कि हाँ भाई ठीक है, राम के साथ कुछ सही नहीं हुआ, आप इस पर आवाज़ उठाते हैं, बिल्कुल ठीक है, स्वागत है, आपके मत का स्वागत है. हम अपनी तरफ से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि लोग कौन जुड़े हुए हैं इस फिल्म से. ओम राउत, जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, ओम राउत के परिचय में दुनिया कहती है भाई इन्होंने तानाजी बनाई. मैं तानाजी को किनारे रखता हूँ. मेरे लिए ओम राउत का परिचय ये है कि एक फिल्म में सीन है, ये फिल्म मैं यहाँ डाइवर्ज आउट कर रहा हूँ, ये सीन जहाँ के माँ सीता का हरण हो रहा है और रावण साधु के वेश में आके माँ सीता का हरण कर रहा है. हमने ये रामलीला में देखा है, हमने ये आदरणीय रामानंद सागर जी की रामायण में देखा है, हमने हर जगह देखा. ओम राउत ने जिस तरह से दिखाया है, मैं वो फिल्म देखने पहुंचा, मैंने देखा कि रावण माँ सीता का हरण कर रहा है, लेकिन 1 मिनट के लिए भी, 1 क्षण के लिए भी स्पर्श नहीं करता, माया से हरण करता है. तो मैंने पूछा ओम से, मैंने कहा ओम, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ऐसा विजुअलाइज नहीं किया. हमने इसके पहले जब भी देखा है तो वो हाथ पकड़ के खींच के माँ को ले जा रहा है. ओम राउत कुर्सी से खड़े होकर मुझे बोलते हैं, सर शी इज माई मदर, नोबडी कैन टच हर. ये अप्रोच है, इतनी लंबी कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, कि ये अप्रोच है मेकर का. मैं एज अ राइटर, मेरे ख्याल से मैंने गिनी नहीं पर 70th फिल्म होगी मेरी ये, जिसमें मैंने गाने लिखे, मैं इन्वॉल्व रहा. 70 फिल्मों में से मेरी ये पहली पिक्चर है. जब मैं लिखता था तो जिस कार्यालय में, जिस दफ्तर में मैं फिल्म लिख रहा था, मेरा ऑफिस, मैं अपने जूते बाहर छोड़ के आता था. इस श्रद्धा भावना से हमने फिल्म बनाई है. लेकिन हम श्री राम को, हनुमान जी को, सीता को, सब लोगों को कैलेंडर्स में एक रूप में हम देखते हुए आए हैं, क्योंकि हमारे जो जहन में जो उनकी छवि है वो है जो कैलेंडर में हमने देखी है जी. और उसके बाद फिर रामानंद सागर जी का रामायण आ गया, फिर हमने उस छवि को देखा जी. आपको ऐसा लगता है कि इतना बड़ा जो हिंदू वर्ग है वो उस छवि के साथ किसी नए प्रयोग को स्वीकार करेगा? उस छवि को जब आप चेंज करने की कोशिश करेंगे, उसे वो स्वीकार करेगा? ये जो हिंदू वर्ग है, ये किस धारणा के साथ जिया है? क्यों हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं? जब हम हिंदू कहते हैं तो हमारे साथ ये भी आता है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम ता वसुधैव कुटुंबकम. हमने सबको समावेश किया है, हमने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू समझे हैं, दैट इज वाई वी आर हिंदूज. तो मुझे हिंदू जनमानस पे विश्वास है. मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि जिस दिन उनको हमारी नीयत, जिस दिन हमारा प्रयोजन, हमारा उद्देश्य वो समझ गए, वो सबसे पहले आके हमारी फिल्म का समर्थन करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये फिल्म एक मौका है, एक अवसर है भगवान श्री राम की कहानी नई पीढ़ी तक, नई जनरेशन तक ले जाने का. अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आप इस फिल्म में
बदलाव करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो जनता का जो बैकलैश आया है, जो जनता को जो चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, क्या आप अब अपना जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा फिल्म में, क्या उसमें आप उसके हिसाब से बदलाव करेंगे? देखो, हमें तो सबके आशीर्वाद की ज़रूरत है, क्योंकि ये फिल्म बनाने का, ये फिल्म नहीं है, ये बिल्कुल भी हमारे, हम इसको एक फिल्म या कोई प्रोजेक्ट के तौर पे देख नहीं रहे हैं, हमारे लिए मिशन है। हमारे लिए ये जो मुद्दा है, ये जो आदि पुरुष हमने जो फिल्म बनाई है, ये हमारे लिए हमारे भक्ति का प्रतीक है, ये हमारे लिए हमारी श्रद्धा है। लेकिन बदलाव करेंगे आप? मैं पूरा करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, और ये करने के लिए मुझे या हम सबको सबके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। तो जो जो लोग बोल रहे हैं, जो जो हम ले रहे हैं, वो हमारे सारे बड़े बुजुर्ग हैं, हम उनका सब कुछ सुन रहे हैं, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, सब कुछ नोट कर रहा हूँ। जो जो चीज़ें हमारी को करेक्ट है, जो जो चीज़ों का बदलाव करने की जो बातें कर रहे हैं, जो जो ऐसी ऐसी चीज़ सबकी हम नोटिंग कर रहे हैं। एंड जब आप फिल्म देखोगे, जब जनवरी में ये फिल्म रिलीज़ होगी, बहुत टाइम है इसको आने को, जनवरी में जब ये फिल्म रिलीज़ होगी, तो मैं किसी को निराश बिल्कुल नहीं करूँगा। या मुझे एक चीज़ कहनी थी, अभी जब आप ओम से ये कह रहे थे कि रावण तो खिलजी जैसा लगता है और ये बहुत बड़ा एक आ रहा है लोगों का, हर तरफ से मैं देख रहा हूँ, इस पर मेरे दो टेक हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमने जो 1 मिनट 35 सेकंड का टीज़र देखा है, उसमें रावण ने त्रिपुंडी लगाया हुआ है, जो देखा है उतने की बात कर रहा हूँ, बाकी तो बहुत कुछ मेरे पास दिखाने को है जो लोगों ने देखा नहीं है। बड़ी विनम्रता से मैं कह रहा हूँ, जब फिल्म आएगी तो वो सब देखेंगे। कौन सा खिलजी त्रिपुंडी लगाता है, कौन सा खिलजी तिलक धारण करता है, कौन सा खिलजी जनेऊ पहनता है और कौन सा खिलजी रुद्राक्ष धारण करता है, हमारे रावण ने ये सब इसी 1 मिनट 35 सेकंड के टीजर में किया हुआ है। दूसरी बात, हर युग की बुराई का अपना चेहरा होता है, रावण मेरे लिए बुराई का चेहरा है, अलाउद्दीन खिलजी इस दौर की बुराई का चेहरा है। अगर वो मिलता जुलता भी है, हमने उसको इंटेंशनली ऐसा नहीं किया है, लेकिन अगर मिल भी गया तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई एतराज़ की बात है। अलाउद्दीन खिलजी तो कोई नायक है नहीं, वो तो कोई हीरो है नहीं, वो बुरा है अगर रावण का चेहरा उससे मिलता है। और अगर आप रावण से इसलिए ज़्यादा नफरत करते हैं क्योंकि वो खिलजी ऐसा दिखता है, तो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं इसमें। नहीं, इसमें सिर्फ लोगों को जो आपत्ति है वो यही है कि वो इस नए लुक को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और एक दूसरी बात यह है कि दूसरे धर्मों की अगर आप बात करें, मान लीजिए इस्लाम धर्म में, आप मोहम्मद साहब की चित्र तक नहीं बना सकते, जिन्होंने बनाया उनके सिर तन से जुदा कर दिए गए हैं। और लोगों की जो शिकायत रहती है और है इसमें, वो ये है कि हिंदू देवी देवता जो हैं, उनके लुक एंड फील के साथ आप ऐसा बदलाव कर रहे हैं जो कि शायद जनता को उसको स्वीकार करने में परेशानी हो रही है। एक तो जहां सवाल इसका आता है कि जनता को स्वीकार करने में परेशानी हो रही है, तो जनता का तो हर तरह से मान सम्मान है, लेकिन मैं चाहता ही नहीं हूं कि जो मेरा सनातन है उसकी तुलना दुनिया में किसी और रिलीजन से हो, क्योंकि धर्म और रिलीजन दो अलग अलग चीजें हैं। धर्म तो एक ही है, सनातन है, दूसरा कोई धर्म इस दुनिया में बना ही नहीं है। बाकी सब रिलीजन हैं, पंथ हैं, जो कोर्ट से चलते हैं, उन कोर्ट्स की इज्जत है मेरी नज़र में, मैं उन पर कुछ छीटाकशी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन धर्म सिर्फ एक है, धर्म सिर्फ सनातन है। मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरा सनातन किसी और को रिजेंबल करे, किसी और जैसा हो, किसी और की तरह जो इनटॉलरेंस है वो हमारे सनातन में तो आ ही नहीं सकती। हम खुले हुए हैं, हम ओपन हैं पूरी तरह से, हमारे यहाँ हर विचारधारा का स्वागत है, हम सबकी सुनते हैं। और हम आखिरी चीज़ जो हमें डिफाइन करती है, हम श्री राम से इतनी श्रद्धा करते हैं, हम इतना प्रेम करते हैं कि वो सर काटते होंगे, हम कटा सकते हैं सर उनके। अब हम अपनी उस मुहिम की बात करते हैं जो गरीब व्यक्ति के अधिकारों के लिए हमने शुरू की है, और आप सब जानते हैं इसका नाम है मेरा स्वाभिमान, क्योंकि ये हमने आप ही के स्वाभिमान के लिए किया है। हमें बड़ी खुशी है आपको ये बताते हुए कि पूरे देश का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं और हमें बड़ी संख्या में लोग वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, और ये सारे ट्वीट जो आपकी स्क्रीन पर हैं, ये लोगों ने इस अभियान को समर्थन देते हुए किए हैं। आप भी हैशटैग मेरा स्वाभिमान पर ट्वीट कर सकते हैं, अपना संदेश भेज सकते हैं। कुछ एक ट्वीट्स हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि लोग क्या कह रहे हैं। देखिए, हमारे इस अभियान में हमने सबसे पहले उन सिक्योरिटी गार्ड्स के सम्मान की बात की थी जो 12-13 घंटे तक अपनी ड्यूटी करते हैं,
उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है, लेकिन उनकी शिकायत ये नहीं है, शिकायत यह है कि उनके काम का सम्मान नहीं किया जाता और गरीब होने की वजह से उनके स्वाभिमान को बार बार कुचलने की कोशिश होती है। गार्ड से मारपीट की ये तस्वीरें भले ही अलग अलग सोसाइटीज और अलग अलग दिन की हैं, लेकिन इन तस्वीरों में सबक एक ही है, वो ये कि पढ़े लिखे सभ्य लोग गरीबों का स्वाभिमान कुचल रहे हैं और दिन रात पहरा देने से लेकर सोसाइटी में सामान्य व्यवस्था बनाए रखने वाले गार्ड को लेकर लोग संवेदनशील नहीं है। विदाउट स्टिकर गाड़ी लेके इशू बहुत होता है हमको, दिन में भी तो ये लोग बदतमीजी करते हैं, कुछ लोग रात को आते हैं ड्रंक वगैरह करके, तो वो लोग भी उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं, नहीं स्टिकर लगवाएं क्या कर लोगे, करो जिसे बुलाना उसे बुला लो। छोटी छोटी बातों पर गार्ड्स को धमका देना, उन्हें बुरा भला कहना आम बात है। कोई छुट्टी नहीं है, जितना ड्यूटी करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। परेशानी सर ये है कि मान लो जैसे कोई गाड़ी आड़ी आती है, किसी को रोका जाता है तो बदतमीजी से पेश होता है, बहस करता है, गाड़ी सही से नहीं लगाता है, क्या करते हैं अपने सीनियर को बुलाते हैं, फ़ोन करके बताते हैं उनसे, वो अपने मेंटेनेंस में बताते हैं, सब ऐसे रफा दफा हो जाता है बस, बाकी होता कहीं कुछ नहीं। कई बार हालात हाथ से निकल जाते हैं, ऐसी स्थिति में कभी गार्ड पेट के वास्ते सब कुछ सह लेते हैं तो कभी नौकरी छोड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं, क्योंकि बात उनके स्वाभिमान की होती है। मुझे सिर्फ ड्यूटी से मतलब है, बाकी मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है, ड्यूटी में से यहाँ करवाएं, दो नंबर पे करवाएं, कहीं भी मतलब ड्यूटी करवानी है तो ड्यूटी करवाएं, मेरे आत्मसम्मान पे बात आएगी तो मैं ये सन नहीं सह पाऊंगी, मुझे नौकरी छोड़ दूंगी अगर मेरी इज्जत पे कोई बात आएगी तो। सोचिए आपके बिगड़े बोल और गलत व्यवहार कैसे आपकी सोसाइटी के गार्ड्स को अंदर तक सालता है। आज तक ने मेरा स्वाभिमान अभियान आम लोगों के स्वाभिमान की लड़ाई के लिए शुरू किया है, आप भी जुड़िए और इस मुहिम को बदलाव का माध्यम बनाइए। आज तक ब्यूरो। और अब जल्दी से आपको आज का इतिहास बताते हैं। 1893 में आज ही के दिन महान खगोल विज्ञानी मेघनाथ साहा का जन्म हुआ था। उन्हें विज्ञान में साहा इक्वेशन के लिए याद किया जाता है, जिसके जरिए तारों की भौतिक और रासायनिक स्थिति के बारे में पता चला था। और आखिर में आपके लिए अमेरिका के महान दार्शनिक बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक कथन। उन्होंने कहा था कि छोटे छोटे खर्चों से सावधान रहिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद बड़े जहाज को डुबो सकता है।